दोस्तों आज के इस वीडियो में दो फोन का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें से एक फोन है Realme 8i और दूसरा फोन है Infinix Note 11s। अगर आप इन दोनों फोन में से कोई सा भी परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं कंपैरिजन स्टार्ट और देखते हैं इन दोनों में कौन सा विन होता है। और इससे पहले बता दूं दोस्तों कि आप अभी देख रहे हो टेक्निकल टाइगर और मैं आपका भाई शशि सक्सेना। आप लोग अगर इस चैनल पर नए विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर Realme 8i की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 6.6 इंच फुल HD प्लस LCD इन सेल डिस्प्ले मिल जाता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और Infinix Note 11s में आपको 6.95 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिल जाता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें आपको 480 का निट्स का ब्राइटनेस मिल जाता है। Realme 8i की बात कर ले कैमरा का, इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा और दो मेगापिक्सल का दो कैमरा देखने को मिल जाएगा पीछे की तरफ, और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। और Infinix Note 11s में भी आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा और दो मेगापिक्सल का दो कैमरा और मिल जाएगा पीछे की तरफ। इसमें भी तीन ही कैमरा है पीछे की तरफ और सेल्फी कैमरा इसमें भी 16 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों में कैमरा सेम ही है। Realme 8i की अगर बैटरी की बात कर ले तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाता है 18 वाट फास्ट चार्जर। और Infinix Note 10s में 5000 mAh की बैटरी मिल जाता है 33 वाट फास्ट चार्जर। दोनों में बैटरी सेम ही मिल जाता है और चार्जर में काफ़ी फर्क है, इसमें आपको 18 वाट मिल जाएगा और इसमें 33 वाट मिल जाएगा। दोनों में आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिलहाल बात करते हैं इन दोनों का प्रोसेसर का। तो Realme 8i में MediaTek G96 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और Infinix Note 11s में MediaTek G96 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। दोनों में सेमी प्रोसेसर है तो गेम वेम खेलने में काफ़ी बेटर होगा। आप अगर गेम वगैरह खेलते हैं तो अच्छे तरीके से गेम वगैरह आप खेल सकते हैं। दोनों में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा दोनों फोन में। और अगर इसका हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो आप अगर Realme 8i 4+64 परचेज करते हैं तो 13999 की प्राइस में मिल जाएगा। और अगर Infinix Note 11s परचेज करते हैं 6+64 तो आपको 13999 में मिल जाएगा। दोनों सेम ही प्राइस में मिल जाएगा। ये 6+64 मिल जाएगा Infinix Note 11s और Realme 8i 4+64 मिल जाएगा 13999 की प्राइस में। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट होता है। ऐसे मेरे तरफ से तो Infinix Note 11 विन करता है क्योंकि इसकी इतने प्राइस रेंज में 6+64 मिल जाता है और इसमें आपको सब कुछ तो बाकी सेम ही मिल जाता है और इसमें आपको चार्जर भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो जिसको लेकर के मैं Infinix Note 11 विन हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर दीजिए, और आपको अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।